Alright, so hello and good morning and welcome to the new video of this channel. आज के दिन में तुम्हारा स्वागत है. आज का दिन है फ्राइडे का दिन और मैं निकल रहा हूँ कॉलेज अपने मेन कैंपस. वो सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए जा रहा हूँ मैं, और वो ये है कि मेरा सोशल सिक्योरिटी कार्ड आ गया था बहुत पहले और मैंने ना उन्हें दिखाया नहीं था अभी तक, क्योंकि मुझे उनको जाके दिखाना है. ये ऐसे नहीं भेज सकते कि भाई देख लो ईमेल में, देख लो ये सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ऐसा नहीं किया जा सकता उसके साथ. तो पर्सनली जाके वहीं पे दिखाना पड़ेगा कि ये देखो मेरे पास आ चुका है, ताकि वो अपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ले. सिर्फ और सिर्फ उस काम की वजह से जा रहा हूँ मैं. फटाफट से अपना ब्रंच करता हूँ और फिर निकलते हैं. तो यार मेरा सोशल सिक्योरिटी कार्ड जो है वो तो बहुत टाइम से आया हुआ है, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि पहले तो मैं बिजी हो गया, क्योंकि जिस दिन वो ऑफिस खुलता है वो बड़े अनयूजुअल टाइमिंग्स है. सिर्फ 4 बजे तक खुलता है, ट्यूसडे थर्सडे छुट्टी रहती है उसकी. पहले तो कॉलेज चल रहा था उन टाइम्स पे, तो फिर मैं जा नहीं पाया. उसके बाद छुट्टियां हो गई तो पूरा कॉलेज ही बंद हो गया सर्दियों की छुट्टियों में. उसके बाद अब कॉलेज खुला है तो अब मैं जा सकता हूँ. वो भी आज फ्राइडे का दिन है इसलिए जा सकता हूँ, क्योंकि वरना मंडे और वेडनेसडे मेरी क्लास होती है, ट्यूसडे थर्सडे उनका ऑफिस बंद होता है जहां मुझे ये दिखाना है. तो सिर्फ आज फ्राइडे का दिन बचा. वो भी मैं पहले के फ्राइडे नहीं जा पाया क्योंकि उन फ्राइडे के टाइम पे मेरी पार्ट टाइम जॉब थी और वो उसी टाइम पे थी जिस टाइम पे उनका ऑफिस खुला होता है. तो आज ही मौका मिल पाया मुझे. पहुंच तो गया हूं, मैं वेट कर रहा हूं कि वो बुलाएंगे, फिर जाके मैं दिखा दूंगा. बस काम खत्म हो जाएगा. गया भाई काम हो गया. टाइम बहुत लग गया, पूरे 2.5 मिनट लग गए मेरे, पर काम हो गया. चलो 2.5 मिनट के लिए मैं 45 मिनट्स बस से आया, अब 45 मिनट्स बस से जाऊँ. 45 तो नहीं, खैर 35-30 डिपेंड करता है बस की टाइमिंग पे. रास्ता है वो इतना लंबा नहीं है बस का, अगर लगातार चलते चले जाओगे पर बीच में कभी इधर वेट करो उधर वेट करो तो थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है. चलो हो गया, ये काम भी निपट गया. अब 2:35 हो गया, सीधा घर ही जा रहा हूँ मैं, कि घर जाके मुझे ना काम करना है यार. ऑलराइट गाइस, आई एम बैक होम एंड नाउ आई नीड टू कंप्लीट डॉक्यूमेंट. वो डॉक्यूमेंट है, अरे तो डॉक्यूमेंट ऐसा है जो मुझे 500 वर्ड में कंप्लीट करना है. फिलहाल मैंने उस डॉक्यूमेंट में लिख रखे हैं 1373 वर्ड्स, और वो भी काफी टूटी फूटी इंग्लिश और बीच में हिंदी घुसा के. मतलब अभी मैंने जो अपने थॉट्स थे ना, अभी मैंने सिर्फ वो थॉट्स को ऐसे पेपर पे उतार रखा है. अभी उन्हें थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्मलाइज अच्छे से इंग्लिश में प्रेजेंट करना पड़ेगा इन 500 वर्ड, क्योंकि मुश्किल है. क्योंकि इसी को अच्छे से लिखना हो तो आसान है, लेकिन 1373 वर्ड्स को 500 बनाना मुश्किल ही रहता है. क्या मैं इतना ओपिनियनेटेड इंसान हूं, मतलब मेरे पास इतना कुछ है कहने के लिए. मेरे पास एक वॉइस है ना, मैं नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग ऐसे नहीं हूं जो पोपट से लोग होते हैं. मेरे पास एक वॉइस है, मेरे पास कुछ कहने के लिए है, तो इसीलिए ना हर चीज के ऊपर मेरे ऐसे थॉट्स रहते हैं तो ज्यादा ही लिखा जाता है. पर क्या कर सकते हैं, कम तो करना ही पड़ेगा ना. फिलहाल टाइम हो रहा है 3:52, देखता हूँ कितनी देर में होगा. मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे ना एक काम गंदा बहुत लगता है. मैं ना शुरू से कभी ऐसी बंदिशों में था नहीं कि भाई ये ना ऐसे 500 वर्ड में होना चाहिए, ये जो है ये वीडियो ऐसे 3 मिनट की बनानी है ऐसे. ना ही मुझे इन बंदिशों की देखो आदत है, ना मुझे इन बंदिशों में काम करना पसंद है. तो मैं रो पिट के करने वाला हूं इसे, तो देखते कितनी देर लगेगी. वक्त हो रहा है 4:15. अभी मैंने काम को शुरू नहीं किया क्योंकि मैं ये सीगेट के सपोर्ट से बात कर रहा हूँ. अपनी हार्ड डिस्क को लेकर जरा इसका भी मामला है ना, वो आउट ऑफ वारंटी हो चुकी है, और वो आउट ऑफ वारंटी हो चुकी है तो वो इन लैब डेटा रिकवरी अब नहीं करते हैं, ऐसा कह रहे हैं. और उन्होंने जो मुझे सॉफ्टवेयर दिया उससे हो नहीं रहा है, वो एक पॉइंट अटक जाता है. मैंने बार बार करके देख लिया, वो वहां अटक ही जाता है. इसलिए मैंने बार बार कह रहा हूं कि नहीं नहीं तुम अपनी लैब में करो, अपनी लैब में करो. उन्होंने चेक किया, उन्होंने टीम से बात करी, उसने फिर भी मना कर दिया कि नहीं हो सकती क्योंकि वारंटी में नहीं है. मैंने फिर कहा करो, अब वो कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी भी कर सकते हैं, उनकी कोई रिलेशनशिप चलने वाली है अभी कोई और थर्ड पार्टी कंपनी से, तो वहां डिस्काउंट दिलवा देंगे. तो बात चल रही है बहरहाल. तो अभी मैं ये काम कर रहा हूं, अभी मैंने वो डॉक्यूमेंट वाला काम तो शुरू ही नहीं किया है. गाइस मैंने जो है वो 1373 वर्ड्स का अभी कितना कर दिया, 750 वर्ड कर दिया है. अभी 750 वर्ड को 500 वर्ड बनाना है. मतलब मैंने स्ट्रक्चर कर दिया है, इंग्लिश अच्छे से लिख दी है, पर पहले कुछ खा लेते हैं. अभी फिलहाल 6 बज रहे हैं, मेरे को तो उसी सपोर्ट से ही बात करने में इतनी देर लग गई भाई, तब भी कोई मुझे अच्छा समाधान नहीं मिल पाया. तो मैंने उसको काफी सुना दिया, फिर उसे सुपरवाइजर से बात करी, फिर मैंने उसे भी सुना दिया. पर खैर अब जो भी है, अभी पहले कुछ खा लेते हैं फटाफट से जो बन जाए. वैसे आज मेरा प्लान था कि मैं खाना बना लूं कुछ, लेकिन काम को देखते हुए और वक्त को देखते हुए मुझे लग नहीं पा रहा है कि मैं आज कुछ खाना बना पाऊंगा. तो देख लूंगा कुछ वही रेडी टू ईट खा लूंगा, भाई क्या ही कर सकते, मजबूरी है ना, और कोई बात नहीं है. क्योंकि काम नहीं सफर होना चाहिए, खाना तो फिर भी चलो आज भी तो कल मैं बना ही लूंगा. अरे वो नूडल्स बना लेता हूँ, नूडल्स लेके आया था ना इंस्टेंट वाले, ऐसे ये वही खाता हूँ मैं. थोड़ा अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो चुका है मेरा. पर अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं जिम भी जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि 6 ऑलरेडी बज रहे हैं. अभी इसको सही कर लूंगा कि पता नहीं कितना, 1 घंटा शायद फिर लग जाएगा. व्लॉग एडिट करूंगा, एक असाइनमेंट करना है वो 2 घंटे लगेंगे, अगर आज नहीं कर पाया तो वो कल करूंगा. मतलब पता नहीं, मैं तो चाहता होता हूँ ना कि मैं आज के दिन में ही सब कुछ फिट कर दूं और सारे काम कर दूं. पता नहीं ना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या हो पाएगा. अरे फिलहाल तो मैं ये खा लेता हूँ, स्पाइसी चिकन फ्लेवर के बोल नूडल. अभी तक मैंने 753 वर्ड से 746 वर्ड कर दिए हैं, बस यही प्रोग्रेस हुई है अभी तक. यार मुझसे नहीं होता यार, मुझसे नहीं कटता, मुझे तो अपना लिखा हुआ इतना अच्छा लगता है, मेरा मन ही नहीं करता काटने का ना. मुझे ऐसी बंदिश बिल्कुल पसंद नहीं है यार, मुझसे नहीं काटा जाता. 954
हो रहे हैं भाई, इसमें तो बहुत ही टाइम लग गया यार, मैंने अभी तक नहीं किया। अभी तक मैंने 750 वर्ड में से अभी मैं बताता हूँ मैं कितने पे पहुंच चुका हूँ। अभी करंटली आई एम एट 624 वर्ड्स पे हूँ मैं, बट ऑलरेडी 954 हो चुके हैं और 1135 तक व्लॉग अपलोड करना होता है, तो वो काम को मैंने होल्ड पे डाल दिया। अभी फिलहाल मैं अपना व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, बड़ा परेशान हो गया मैं तो उसको 500 वर्ड बनाने के लिए। अभी तक हुआ थोड़ी है, वैसे अभी करूंगा।